नमस्कार, मैं माइली सुमन मुखर्जी और मैं आरव सुमन मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीडी फिल्म में। नमस्कार बच्चों, का इंट्रोडक्शन तो आपको मिल ही गया होगा। आज इन्हें अपने वीडियो में क्यों मैंने बुलाया है इसके बारे में आपको बाद में पता चलेगा। आज का जो सब्जेक्ट है वो ये है कि अगर आप मिड रेंज का कोई फिल्म मेकिंग का पूरा सेटअप लेना चाहते हैं तो उसके लिए माइक्रोफोन कौन सा लें। आपने FX30 या FX3 के बारे में सोच लिया होगा कि कौन सा परचेस करना है या कर लिए होंगे, लेकिन माइक्रोफोन क्या लें, माइक्रोफोन की ज़रूरत फिल्म मेकिंग के कहाँ पड़ती है। देखिए, वैसे तो माइक्रोफोन बहुत जगह पर यूज़ होता है, हम जो वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब के लिए या इस तरह के जो व्लॉगिंग करते हैं तो उनको भी माइक्रोफोन की ज़रूरत होती है, लेकिन फिल्म मेकिंग के लिए जो माइक्रोफोन की ज़रूरत होती है वो दो वजह से होती है। पहला कि सिंक साउंड में अगर आपको रिकॉर्ड करना है, जितने भी कलाकार हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी कैरेक्टर हैं, उनका अगर सिंक साउंड रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए एक माइक्रोफोन का सेटअप होता है जो साउंड रिकॉर्डिस्ट लेके आता है और सारे लोगों को देता है। लेकिन अगर आपको रेफरेंस साउंड बढ़िया चाहिए ताकि उसके ऊपर आप अच्छा डबिंग कर सकें, और अगर शांत परिवेश में आप शूटिंग कर रहे हैं तो रेफरेंस साउंड के जरिए ही आप सिंक साउंड भी कर सकें, यानी सिंक साउंड अगर आपका बजट कम है और आप सिंक साउंड में भी रिकॉर्ड करके पूरी की पूरी फिल्म बनाना चाहते हैं तो वो भी कर सकें, ऐसा माइक्रोफोन कौन सा हो सकता है मिड रेंज के सेगमेंट में। तो इसके लिए हम चलते हैं सोनी पर ही। सोनी का एक बेहतरीन माइक्रोफोन है, वो है ECM-B10, यानी ये माइक्रोफोन। ये जबरदस्त कॉम्पैक्ट शॉटगन माइक्रोफोन है जिसमें यहां पर देखेंगे 1, 2, 3, 4 माइक्रोफोन एक सीरीज में दिया है, और इसकी सर्किट इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हर तरह के डायरेक्शन के लिए अलग अलग सेटिंग इसके अंदर है, और उस सेटिंग पर आपको बेहतरीन माइक का आउटपुट मिलेगा, यानी जो साउंड की क्वालिटी मिलेगी बेहतरीन मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे लेफ्ट साइड में डिजिटल और एनालॉग का एक बटन दिया है जिसे आपको डिजिटल पर रखना है, एनालॉग पर नहीं रखना है, डिजिटल पर शूटिंग करना है, क्योंकि इसमें एक शू दिया हुआ है जिसे आपको सोनी के उन सभी कैमरे में आप इसको लगा सकते हैं, यानी कंपैटिबल है, जिसमें EMI की फैसिलिटी है, EMI शू है, यानी मल्टी इंटरफेस शू है। इसको इस तरह से देखिए, यहाँ पर मल्टी इंटरफेस शू दिया हुआ है, इसमें आप इसको आप इस तरह से इन कर दीजिए और इसे क्लोज कर दीजिए, टाइट कर दीजिए। अब आपको अलग से किसी बैटरी की ज़रूरत नहीं है, अलग से कोई वायर इससे कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा माइक इन में, ये इंटरनली कनेक्ट हो जाता है, और बैटरी का जो पावर है वो कैमरे की बैटरी से ही इसे पावर भी मिलता है। इसमें देखिए इस तरह से 4 माइक्रोफोन दिया हुआ है, और ये चारों माइक्रोफोन का जैसे कि मैंने कहा है कि सेटिंग इस तरह से किया है कि हर तरह के डायरेक्शन के लिए ये काम आता है। अब इसके सेकेंड भाग में चलते हैं, सेकेंड पार्ट। 3 पॉइंट पर ले जा सकते हैं, सबसे नीचे आप करते हैं तो ये ओमनी डायरेक्शनल होता है। ओमनी डायरेक्शनल मतलब इसके चारों तरफ की आवाज़ ये कैच करता है, इन्वायरमेंट को, कंप्लीट इन्वायरमेंट को कैच करता है। जंगल में आप शूट कर रहे हैं, आपको पूरा इन्वायरमेंट की एक क्वालिटी साउंड चाहिए, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। चारों तरफ बैंड पार्टी बज रहा है या कोई इस तरह के गीत संगीत है जिसमें चारों तरफ से साउंड आ रहे हैं और सभी साउंड आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप ओमनी डायरेक्शनल पर पॉइंट पर कर देंगे इस स्विच को। यहाँ पर एयर कंडीशनर भी चल रहा है, फैन भी चल रहा है, और बगल में एक कंप्यूटर पर मैंने ट्रैफिक साउंड की आवाज़ को भी रखा है। अब देखते हैं कि किस तरह की क्वालिटी आती है। अब आपको मैं दिखाता हूं कि अगर हम सुपर डायरेक्शनल मोड में किए, सुपर डायरेक्शनल मोड मतलब यूनिडायरेक्शनल में क्या होता है कि 3-4 लोग आपस में बात कर रहे हैं। अगर आप कोई ऐसा पोजीशन पर हैं जहां पर 3-4 कैरेक्टर बात कर रहे हैं तो आप यूनिडायरेक्शनल मोड पर करके शूट करेंगे, या आप कुछ पूछ रहे हैं कैमरे के पीछे से, सामने से कोई जवाब दे रहा है, तो वहां पर भी इस मोड पर आपको बेहतरीन रिस्पांस मिलेगा, बेहतरीन क्वालिटी मिलेगा। लेकिन सामने कोई दो लोग बात कर रहे हैं या कोई एक आदमी बात कर रहे हैं तो आप सुपर डायरेक्शनल मोड पर कर देंगे। इसमें क्या होगा, पीछे से जो आवाज़ आ रहे हैं, साइड से जो आवाज़ आ रहे हैं, वो आवाज़ को ये काफ़ी कम कैप्चर करेगा, सिर्फ सामने की आवाज़ को कैप्चर करेगा। Finished skateboarding down by the water here, and it was so much fun, much better than expected actually. The water was really cool. Finished skateboarding down by the water here, and it was so much fun, much better than expected actually. लेकिन अब मैं करने जा रहा हूँ NC, यानी noise cut filter। इसे आप noise cancellation भी कह सकते हैं और noise cut filter भी कह सकते हैं। तो इस filter पर
अगल बगल के नॉइज़ काफ़ी हद तक कट हो जाएगी, जबकि हमने काफ़ी ज़ोरों से अगल बगल की आवाज़ को शोर शराबा को दिया था। लेकिन जब आप शूटिंग करेंगे तो वैसे भी आप साइलेंस कराते हैं हर लोगों को कि भाई साइलेंस हो जाओ, तो उस पोजीशन में आपको वो आवाज़ की क्वालिटी मिलेगी जो आपने पहली बार बच्चों से सुना था कि उन्होंने अपना जो इंट्रो दिया था, वो जो क्वालिटी है वो क्वालिटी आपको मिलेगी अगर आप इसको सुपर डायरेक्शनल मोड में करते हैं और फिल्टर को एनसी मोड में कर देते हैं। नमस्कार, मैं माइली सुमन मुखर्जी और मैं आरफ सुमन मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी बेलवेन। तो वो क्वालिटी काफ़ी अच्छा होता है अगर आपको सिंग साउंड भी करना है तो, और कहीं आपके पास बजट है तो डेफिनेटली आप उसका डबिंग कर लीजिए, उसके लिए आपको रेफरेंस साउंड बहुत अच्छा मिलेगा। एक चीज़ और, इसके अंदर ऑटो और मैनुअल का एक बटन दिया हुआ है कि अगर आप ऑटोमेटिकली इसको चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली इसका गेन इनपुट ले ले कि किस गेन पर इसे रिकॉर्ड करना है, तो ऑटो मोड पर करिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं बहुत ज़्यादा शोर शराबा है और कैमरे का जो इंटेलिजेंसी है वो पकड़ नहीं पाएगा, तो यहाँ पर आप मैनुअल करके इस व्हील को आप कम या ज़्यादा करके इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ताकि आपका 0 dB या -6 dB के बराबर बीच में ही आपकी ऑडियो की आउटपुट जाए। हाँ, एक चीज़ और, अगर बहुत दूर पर सब्जेक्ट है और बहुत दूर से आपको रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, तो वहाँ पर इस तरह का कॉर्डलेस माइक, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में भी बताए थे, हॉलीलैंड का जैसे माइक हमने यहाँ पर भी लगाया है, अभी हॉलीलैंड से ही आप सुन रहे हैं, तो इस तरह का माइक्रोफोन आप 4 ले लेंगे तो 4 कैरेक्टर के लिए काफ़ी हो जाएगा। मिनी एक मिक्सर ले लीजिए और आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन वैसे मैं बताऊँ कि नॉर्मली आप शूटिंग करेंगे, कोई भी शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं या फीचर फिल्म भी बना रहे हैं, तो ये माइक काफ़ी होगा आपके लिए। और इस माइक की जो कीमत है वो तकरीबन 19,000 रुपये का है। 19,000 रुपये में इतना वर्सेटाइल माइक अगर आपको मिल रहा है तो निश्चित तौर पर काफ़ी अच्छी बात है। और हाँ, विंड स्क्रीन भी दिया हुआ है कि इसके ऊपर अगर आप इसको लगा देते हैं तो हवा की आवाज़ जो है, एयर की आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगा, यानी काफ़ी हवा वाली जगह पर भी जा करके अगर नॉइज़ कैंसिलेशन कर देते हैं इसको और इससे रिकॉर्ड करते हैं तो इसमें एयर की आवाज़ यानी एयर ब्लो नहीं सुनाई देगा। Except here, it's already done in camera. और कई ऐसे लोग जिसको नज़दीक से अगर आपको कुछ रिकॉर्ड करना है, वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना है, वहाँ पर भी एयर ब्लो आपको नहीं सुनाई देगी। तो ये रहा आज के माइक का ये डिटेल वीडियो, और मुझे लगता है कि आपको ये माइक लेना चाहिए अगर सोनी का कोई भी कैमरा आप यूज़ कर रहे हैं तो। आज का ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और नेक्स्ट भाग में मैं लाइट्स के बारे में बताऊंगा कि मिड रेंज के अगर आपको कंप्लीट सेटअप करना है तो उसमें लाइट कौन कौन सी रखनी चाहिए। Filmmaking is not a joke. Just making a normal YouTube video or making TikTok is not filmmaking. IFTA online filmmaking course is very powerful and helpful for all filmmakers. Join it and turn dreams into reality. You have to learn a lot of practical lessons. IFTA online filmmaking course is very practical and scientifically designed for making professional movies, serials, ad films, documentaries, short films, and all types of commercial audiovisual projects. Join now.